नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन राठी वेदिकन यूट्यूब चैनल पर फिर से आपके साथ जुड़ा हूं रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके। एचएसएससी का पेपर आज फिर से सॉल्व होगा। एचएसएससी के पेपर से ही हम बात करेंगे। इससे पहले हमारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके दोस्तों, लाइव टेस्ट आपका हो चुका है। आशा करते हैं आपको अभी तक वीडियो से फायदा मिल रहा होगा और आपके कमेंट्स जिस प्रकार से हमें आ रहे हैं, बिल्कुल लगातार कमेंट करते जाइए अपने आंसर्स को, ताकि आप लाइव जज कर सके अपने पेपर को कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। एक टाइमिंग का भी इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों उससे आपका। तो अपने क्वेश्चंस के साथ उतर रहे हैं दोस्तों। जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एनालॉगी, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एग्जामिनर आपसे एनालॉगी से और क्लासिफिकेशन से। बार बार आपके क्वेश्चन ज्यादातर पिछले साल में आपसे यही पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहा है आपका क्वेश्चन जो है आपका, लगातार जुड़ते रहिए। बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, यस फटाफट आइए जुड़िए लगातार, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। नीतू लाठर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। रोहित कुमार गुड इवनिंग, सिटू अलावत गुड इवनिंग भाई, चलिए जुड़ते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, लाइव टेस्ट आंसर देने के लिए तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला आपको दिया गया है, जिस प्रकार से फल फ्रूट आपका जो दिया गया है वो बास्केट से उसका संबंध दिया गया है दोस्तों, बास्केट से उसका संबंध है। आपको दूसरा जो नीचे ऑप्शन दिया है, पूछा किसके लिए है, फिश के लिए पूछ रहा है कि फिश को रखने के लिए, यहां पर फिश की बात कर रहा है कि फिश का संबंध किससे होगा दोस्तों। अब यहां पर फल को तोड़ेंगे तो सर टोकरी में रखते हैं, बास्केट में रखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा था, क्यों यहां से टफ कैसे बन रहा है दोस्तों, फ्रूट बास्केट तो आसान था लेकिन मछली को रखने के लिए जो होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां तो दिक्कत समस्या बनेगी दोस्तों। यहां पर सिर्फ आप लोगों ने अपना तुक्का लगाया होगा पेपर के अंदर, क्योंकि परफेक्ट मीनिंग किसी को नहीं पता होता दोस्तों। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको रिप, बिल्कुल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लगा रहे हैं सोनी सिंह, ऑप्शन बी गलत, नीतू लाठर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। जो फल है वो बास्केट में रखा जाता है, मछली नदी से पकड़ी जाती है लेकिन नदी में रखी नहीं जाती दोस्तों। रिप जो होता है इसको रखने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो रिप ही होता है दोस्तों। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जो कि होगा आपका रिप आपको दे रखा है, जो कि तीसरा ऑप्शन आपको दिया था इसने सेन दे रखा है, सेन रिप को रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, रिप जिसमें रखा जाता है उसको सेन कहा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो है ए होगा, ज्योति पंगाल ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर पूजा सिवाज गुड इवनिंग भाई, लगातार जुड़ते रहिए फटाफट। आपका ऑप्शन आ रहा है जो ए ऑप्शन है, अजय हुड्डा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है आंसर ए, और रिप आपका आंसर होगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछा था, लेकिन क्वेश्चन फिर से वही रिपीटेड एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, एनालॉगी का क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, लगातार जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि लाइव टेस्ट आपका बाकी लोगों को भी बेनिफिट होता रहे। फटाफट जुड़ जाइए, चलिए। रितु भाटिया जी गुड इवनिंग भाई, सरिता ऑप्शन ए आंसर दिया बिल्कुल, रोहित एक्वेरियम ए, एक्वेरियम बिल्कुल नहीं। अब आगे अगर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विषम का चयन कीजिए, ऑड वन आउट। फिर से दोस्तों देखिए, पिछले पेपरों में भी यही पूछा गया था आपसे, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, एनालॉगी क्लासिफिकेशन रिपीटेशन। हरियाणा के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनालॉगी से और क्लासिफिकेशन से। ऑड वन आउट छाटना दोस्तों, विषम छाटना है। मछली आपको दे रखी है, ऑक्टोपस आपको दे रखा है, बिच्छू आपको दिया, मगर दे रखा है, मगरमच्छ आपको दे रखा है, जिसके अंदर फिश ऑक्टोपस क्रोकोडाइल आपको दे रखा है, स्कॉर्पियन दे रखा है दोस्तों। आंसर फटाफट दीजिए। साहिल अलावत ए ऑप्शन मछली गलत है, नवीन सांगवान बी आंसर हमारा दे रहे गलत, कीर्ति सांगवान ऑप्शन बी बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा, रोहित कुमार बी ऑप्शन गलत, रितु बी ऑप्शन दे रहे बिल्कुल, अजय हुडा बी बिल्कुल ठीक है, रितु भाटिया बिल्कुल ठीक है आंसर आपका, रोहित कुमार बी ऑप्शन है, रेनू गौतम ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, साक्षी चहल जुड़ चुके हैं बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आंसर है आपका बी दोस्तों। देखते हैं कैसे, मछली जो है आपकी ओनली वॉटर के लिए बात करें, ऑक्टोपस है आपका वॉटर से है, मगरमच्छ आपका दोनों से है वॉटर से, बट बिच्छू स्कॉर्पियन जो होगा आपका पानी से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी अमित अलावत, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों आपका, अमित अलावत बी ऑप्शन, नीतू लाठर ऑप्शन सी गलत आंसर है, अनुज अत्री ऑप्शन डी गलत है, किरण सांगवान ऑप्शन सी दे रहे हैं गलत आंसर है। तो आपका जो आंसर होगा वो बिच्छू होगा, स्कॉर्पियन आपका आंसर इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है स्थल का आपका है, ओनली एंड ओनली आपका जो है लैंड का होगा, वॉटर से इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया बी दोस्तों, तो आंसर है बिच्छू।
तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, तीसरा है विषम का चयन कीजिए। दोबारा से फाइंड द ऑड वन आउट, दोबारा क्लासिफिकेशन से फटाफट जुड़ते रहिए दोस्तों। ऑड वन आउट आपसे पूछा, बोलता है कोहरेदार आपका फोग के लिए पूछ रहा है, साफ घना अंधेरे के लिए बात कर रहा है, धुंधला होगा जो क्लियर ना हो उसके लिए पूछ रहा है। लेकिन यहां से अगर बात की जाए तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है लगातार जुड़ते रहिए, किरण सांगवान सी ऑप्शन है, घना बिल्कुल गलत है, किरण सांगवान, पूजा सिवाच बी ऑप्शन, अजय हुड्डा बी, देखते हैं आपका आंसर, जुड़ते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए दोस्तों। पूजा सिवाच बी आपका, किरण सांगवान सी गलत है। नेक्स्ट ज्योति पंगाल बी आंसर आपका दे रहे हैं, किरण सांगवान सी पे जोर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर हो सकता है। चलिए अजय हुड्डा बी ऑप्शन आपका, अंकुश मलिक बी ऑप्शन, देखिए अब सी ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है। यहां पर कोहरेदार जो है आपका फोग के लिए दिया, जिसमें आपको क्लियर नहीं होता दोस्तों, साफ बिल्कुल क्लियर दिया, घना मतलब जिसमें आपका डार्कनेस की बात कर सकते हैं दोस्तों। चौथा धुंधला होगा आपका, जो कि क्लियर नहीं है, प्योरिटी से क्लियर नहीं होगा, तो आंसर जो होगा वो साफ होगा दोस्तों, ऑप्शन बी साफ, जो कि आपका बिल्कुल क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी आपका आंसर रहेगा। बॉयरस की सी ऑप्शन गलत, रिंकुश कुमार बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऋतु भाटिया बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, साहिल अलावत, रिंकेश मलिक बिल्कुल बी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है आपकी, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर कीजिए ताकि आपको लाइव टेस्ट से जजमेंट मिलता रहे, आपका स्कोर भी आपको पता लगता रहे। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, युग्म समूह का चयन कीजिएगा विषम का, फिर से दोस्तों वही एक स्ट्रेटेजी है, यहां पर ऑड वन आउट की ही बात कर रहा है, बार बार वही क्वेश्चंस आपके क्लासिफिकेशन से। ऑप्शन ए इस बार आपको नंबर क्लासिफिकेशन दिया गया है डिजिटल से, 11 का लिंक दिया दोस्तों 115 से, अगला आपको दिया कि बी ऑप्शन है, 10 का लिंक है 90 से, अगला है आपका सी ऑप्शन 9 का है 72 से, और डी ऑप्शन है आपका 8 का है 56 से। फटाफट जुड़िएगा, आंसर दीजिए, पूजा सिवाच ऑप्शन ए, देखते हैं अंकुश मलिक ए बिल्कुल, अनुजत्री ए सर, देखते हैं अनुज जी, साहिल अलावत सी ऑप्शन, देखते चेक करते हैं, नीतू लाठर ए ऑप्शन, अजय हुड्डा ए। चलिए जुड़ते रहिए फटाफट आंसर करते रहिए, ए आ रहा है लगभग सबका, सिटू अलावत ए, अजय हुड्डा ए, और रितु भाटिया ए, बॉयरस के सी आंसर है बिल्कुल। चलिए चेक करते हैं अंकुश मलिक ए, नवीन राठी का आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन है बिल्कुल। चेक करते हैं आपका लिंक, आपको क्या दिया गया दोस्तों, यहां से लिंक की बात करें 11 115, अब चेक करें 10 का और 90 का क्या लिंक हो सकता है, ये तो मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं होगा, ये भी मल्टीपल, ये भी एक लिंक हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं है दोस्तों। परफेक्ट आपका क्या होगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100, और उसी में से 10 घटा दूं तो बन गया कितना 90, 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और 9 घटा दूं उसमें से तो बन गया मेरा 72, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 माइनस 8 कर दूं तो बन गया कितना 56, लेकिन 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 होता है हमारा, माइनस 11 कर दे दोस्तों, होना चाहिए था 110 बट दे रखा 115, तो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल, नवीन राठी ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर ठीक है। नेक्स्ट निशा गहलावत ऑप्शन ए आंसर दिया बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है दोस्तों। लगातार जुड़ते रहिए, लाइव शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइव जुड़ते रहिए यहां पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और जवाब दीजिए फटाफट कमेंट के साथ में। फिर से विषम का चयन कीजिए, दोबारा से ऑड वन आउट की आपसे बात कर रहा है दोस्तों, ऑड वन आउट ही फिर से दिया आपको, ऑप्शन ए आपको दिया है, पी क्यू एस, पी कैपिटल क्यू कैपिटल एस स्मॉल आपको दिया दोस्तों, ए टी बी, ए कैपिटल टी स्मॉल बी कैपिटल आपको, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आपको दिया गया है, एस आई एम आपको दे रखा है, चौथा जो आपको ऑप्शन दिया दोस्तों वो दिया है एम एन और जेड। यहां से आंसर फटाफट दीजिएगा, देखते हैं फिर आंसर क्या होता है। सरिता जी ने आंसर ए दिया है बिल्कुल गलत, देखते हैं चेक करते हैं अभी बाकी, रिंकेश कुमार ए ऑप्शन, साहिल अलावत ए ऑप्शन के साथ जुड़े, निशा गहलावत जी ऑप्शन ए। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट, यहां पर चेक कीजिए आंसर, बताइए फटाफट कमेंट करते रहिए ताकि लाइव टेस्ट में आपका पता लगता रहे स्कोर क्या है दोस्तों। अब यहां से फटाफट जुड़िए आंसर, साहिल अलावत ए ऑप्शन दे रहे हैं, आंसर बताइएगा पी क्यू एस ए टी बी एस आई एम एन एम एन और आपको जेड दे रखा है,
आंसर फटाफट, रोहित कुमार बी के साथ जुड़े हैं। चलिए देखते हैं, रोहित कुमार बी बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, हो भी सकता है नहीं भी। ऋतु भाटिया ऑप्शन ए के साथ आए हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। नेक्स्ट फटाफट कमेंट आंसर दोस्तों, आंसर की वेट करेंगे। अजय हुड्डा ऑप्शन डी के साथ जुड़े हैं, चलिए देखते हैं। अजय हुड्डा डी, साहिल सोलंकी डी ऑप्शन, चलिए देखते हैं। अजय हुड्डा डी, किरण सांगवान ऑप्शन ए के साथ में है, चलिए देखते हैं दोस्तों यहां पर आपका लिंक क्या होगा। पीक्यू 16 17 19 को लिंक नहीं बना, एक बी यहां पर आपका दो, एस 19 9 13 एम 13 14 और 26 दोस्तों कोई लिंक नहीं बन रहा। क्या देखूं तो एक का, अगले में भी एक का, यहां से कोई नहीं है बट यहां में देखें एक का, हो भी सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक ही आपका डी ऑप्शन के साथ में, नीतू लाठे डी, ज्योति बंगाल डी ऑप्शन, चलिए देखते हैं। एक ही ऑप्शन मात्र आपके पास बचा डी, कैसे होगा दोस्तों। सभी के अंदर दो कैपिटल और एक स्मॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों, और कोई आपका लॉजिक नहीं लगा, लिंक नहीं लग रहा। दो कैपिटल एक स्मॉल, दो कैपिटल एक स्मॉल, बट यहां पर दो स्मॉल और एक कैपिटल के साथ जा रहा है, तो ओनली एक मात्र लिंक आपका जो लग रहा है वही होगा, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा, एम एन और जेड। अजय कौशिक डी ऑप्शन, बिल्कुल देखते हैं। नेक्स्ट नीतू लड्डा डी ऑप्शन, ज्योति पंगाल डी के साथ में, बिल्कुल पूजा सी बात, साक्षी चहले आंसर गलत है साक्षी जी। नेक्स्ट सीटू अलावा डी राइट, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जुड़े रहिए लाइव, लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। और जैसे ही हरियाणा की डिमांड आई थी, हरियाणा के पेपर आपके शुरू हो चुके हैं और कमेंट में हरियाणा जीके की डिमांड आ रही थी दोस्तों, तो आज राजदीप बलारा सर की हरियाणा जीके की वीडियो भी आ चुकी है, चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जिससे आप हरियाणा का भी फायदा उठा सकते हैं। पहला नदियों पर उनका टॉपिक आया है, बाकी बहुत जल्द हो सकता है आपके साथ लाइव भी जुड़ जाएंगे राजदीप बलारा जी, बाकी वीडियोस भी कंटिन्यू आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो दिया गया है कैपिटल की बजाय स्मॉल अल्फाबेट सीरीज आपको दिया गया। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, एम एन ओ एन ओ पी क्यू दे रखा है आपको, आगे एन ओ पी, आगे आपको दिया क्यू ओ पी क्यू आर और एस आपको दे रखा है दोस्तों, ओ पी क्यू आर एस, और आपको आगे पांच ब्लैंक दिए हैं। पांच ब्लैंक में आपसे दोस्तों पूछा है, पांच ब्लैंक में आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट पर क्या होगा। अब यहां पर देखा जाए तो स्मॉल अल्फाबेट सीरीज से आपका आ रहा है दोस्तों, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज से। नीचे क्वेश्चन को लिखता हूं, थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एम एन ओ एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस, पांच ब्लैंक आपके सामने थे दोस्तों, यही क्वेश्चन था, इसी को सॉल्व करते हैं फटाफट। इसका आप कमेंट कीजिएगा आंसर, क्या लिंक बनेगा। चलिए सतीश यहां पर, गुड इवनिंग भाई। ऋतु भाटिया नेक्स्ट आपका जो है, सतीश जी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं दोस्तों, जुड़िए लाइव का भी कोई टाइम नहीं आ, हरियाणा जी के वीडियोस अपलोड हो रही है दोस्तों, वीडियोस को देखिए, लाइव का टाइम आएगा आपका, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, जो शेड्यूल रहेगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी सिर्फ वीडियोस आई है। पूजा सिवाच ऑप्शन ए के साथ में जुड़े हैं, ज्योति पंगाल ऑप्शन बी, साहिल सोलंकी बी के साथ आंसर आ रहा है, रोहित कुमार बी बी ऑप्शन, चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन के साथ आए हैं रोहित कुमार। अगर टोटल यहां पर बात आ रही है दोस्तों, कितने हैं आपके, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह दोस्तों, सत्रह की बात कर रहा है तो पेयर बनने चाहिए चार चार के, चार चार चौक सोलह, सत्रहवें को अगर ब्लैंक लूं तो क्या यहां पर चार चार के चार पेयर में आपका कोई लिंक बना दोस्तों, एम ओ टी। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, कोई लिंक नहीं बन रहा, होमो सीरीज नहीं, हेट्रोनी साइक्लिक का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि एम के बाद तो एन होना चाहिए था, तो नहीं बन रही बात चार चार के पैर से। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आपसे एचएसएससी ने पूछा था, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़िया था दोस्तों, जुड़िए आंसर के साथ। सी सतीश कुमार देखते हैं, अमन कौशिक बी के साथ है, बिल्कुल दीपक कुमार बी ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं दोस्तों। अब इसमें कोई लिंक ना लगे तो शायद हो सकता है तीन चार और पांच के पैर में बात करूं दोस्तों, एक दो तीन, नेक्स्ट में बात करूं एक दो तीन और चार के साथ, एक दो तीन चार पांच के साथ दोस्तों, हो सकता है कि लिंक बने दोस्तों, एम एन ओ, बिल्कुल एम को छोड़ दिया अगली बार, एन ओ के साथ दो और बढ़ा दिए, पी क्यू अगली बार एन को छोड़ा तो ओ पी क्यू आर और एस दो बढ़ा दिए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले को
को छोड़ रहा है और बाकी सीरीज सेम ले रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले ओ को छोड़ देंगे और ओ को छोड़ेंगे तो आपका आंसर बनता है दोस्तों पी क्यू आर एस आर टी, पी क्यू आर एस टी आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो सी ने रखा है। रितु भाटिया भी, दीपक कुमार भी, रोहित जी भी, सरिता भी आपका दे रखा है डी के साथ, सरिता जी, सिटो अलावत भी ऑप्शन गलत है, दीपक कुमार, राम राम गुरु जी, राम राम भाई, पूजा से बात। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका आंसर जो इसका आया है बी नहीं, आपका ऑप्शन जो बन रहा है सी बन रहा है, पी क्यू आर एस टी, तो ऑप्शन सी आपका बन गया दोस्तों, क्योंकि आपके साथ होना तो चाहिए था तीन के बाद चार के बाद पांच और छह, छह का होना चाहिए था बट एक ब्लैंक ऑलरेडी एग्जामिनर ने कम दिया, तो आपका तीन चार पांच और छह में और हर एक में किया है दोस्तों, पहले को छोड़ा है और अगले में दे रखा है, पहले को छोड़ा नहीं ऐड किया एन ओ पी क्यू छोड़ा, एन छोड़ा अगली बार ओ पी क्यू आर एस दिया, अगली बार ओ को छोड़ेंगे तो पी क्यू आर एस और टी की सीरीज बनेगी, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन गया दोस्तों। साहिल अलावत, नितु लाठर सी, अजय हुडा सी, अनु सिंधु सी, बिल्कुल ज्योति पंगाल सी आंसर के साथ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और जल्दी फटाफट जुड़ते रहिए और जवाब देते रहिए लाइव टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से भी हर पेपर में लगभग क्वेश्चन आया है, बोलता है यदि किसी भाषा के अंदर प्रताप को लिखा पी आर ए टी ए पी, पी आर ए टी ए पी को लिखता है दोस्तों, यहां पर उसने दिया 16181201116 उसने दिया 16182016 आपको दे रहा है दोस्तों। पूछा आपसे कि नवीन को क्या लिखेगा, नवीन का आंसर दोस्तों आपसे पूछा है, नवीन का जो आंसर होगा वो आपको बताना होगा जल्दी फटाफट। राम राम जी, बिल्कुल रोहित सिवाच ऑप्शन ए, रोहित सिवाच ऑप्शन ए के साथ है, नवीन सांगवान ए, साक्षी चहल जी आंसर दे रही है ऑप्शन ए, देखते हैं निशा गहलावत जी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट जुड़ते रहिए ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा। अब नेक्स्ट आपका रोहित सिवाच ए के साथ किरण सांगवान ए, फटाफट आंसर दीजिए, साक्षी चहल ए, रोहित कुमार ए, रोहित सिवाच जी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, चलिए देखते हैं आपका किया क्या है। डायरेक्टली पी की प्लेस वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 16 ही होती है, आर की प्लेस वैल्यू अल्फाबेटिकली 18 ही होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की दोबारा 1 और पी की होती है 16 होती है दोस्तों, प्लेस वैल्यू ही डायरेक्ट उसने आपको दी, इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको नंबर्स में देके सिर्फ कंफ्यूज किया, प्लेस वैल्यू ही आपको डायरेक्टली लिखी है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जुड़ रहे हैं सभी, बिल्कुल देखेगा एन होती है आपकी 14, ए 1 पे होता है, वी जो होता है 22 है आपका, आई नो एन 14, 14122 ऑप्शन एक ही है आपका दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सभी ने ठीक जवाब दिया, तो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, बिल्कुल अनु सिंधु जी ऑप्शन ए, अंकित कुमार ऑप्शन ए, नीतू लाठर, अमन कौशिक ऑप्शन ए, अमित अलावत ऑप्शन ए, बिल्कुल जी आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है, रोहित कुमार ऑप्शन ए के साथ बार बार, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से दिया दोस्तों, इस बार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया दोस्तों, उसने लिखा किसी निश्चित कूट भाषा में 851 को लिखा अच्छा मीठा फल लिखा दोस्तों, 851 को लिख रहा है अच्छा मीठा और फल लिखा दोस्तों, अच्छा मीठा फल आपको लिख के दिया। नेक्स्ट आपको क्या लिखा, कोड किसके लिए दिया दोस्तों, 851 के लिए दिया था। नेक्स्ट आपको क्या बोला, 783 अच्छा लाल गुलाब, 783 अच्छा लाल गुलाब आपको दे रखा दोस्तों, लाल गुलाब आपको बात कर रहा है। अगला जो आपको दिया गया है दोस्तों वो क्या दिया गया है, 341 का लिखा है गुलाब और फल, 341 को लिखा गुलाब और फल आपको लिखा है दोस्तों, गुलाब और फल आपको लिख के दे रहे हैं, तो पूछा किसके लिए दोस्तों आपसे, पूछा गया है तो किसका, मीठे का कोड पूछा आपसे दोस्तों कि मीठे का कोड जो होगा, मीठा का कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन ए, अंकित केशव ऑप्शन ए, अमन कौशिक ए ऑप्शन के साथ, रोहित कुमार बी के साथ जुड़े, बिल्कुल आंसर देखते हैं अभी,
आपका निशा गलावत जी ऑप्शन बी, साहिल सोलंकी बी, नवीन राठी बी ऑप्शन के साथ दोस्तों, अंकुश मलिक ऑप्शन पांचवा, पांच आपको दे रखा, बिल्कुल देखते हैं पांच हो सकता है, अंकित कुमार बी, रोहित कुमार बी के ऊपर जोर दे रहे हैं, ट्रिपल बी, चलिए देखते हैं रोहित जी आंसर को चेक करते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे पहले यह चेक कीजिए कि आठ किस किस में कॉमन आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड के अंदर कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर शब्द कौन सा कॉमन आया, अच्छा आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब अच्छा के लिए कोड क्या हो गया दोस्तों, आपका जो अच्छा के लिए कोड निकला वो निकल गया आपका आठ हो गया दोस्तों। अगला देखिएगा, एक और एक लास्ट में कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो एक और एक की बात करूं तो एक के लिए क्या बच गया दोस्तों, फल, और फल के लिए अगर कोड आया है एक तो दोस्तों मीठा के लिए क्या बच गया, आंसर हो गया पांच, जो कि आपका ऑप्शन है बी, बिल्कुल ठीक है। रितु भाटिया बी, अंकित इसका बी है, बिल्कुल देखते हैं, साक्षी चहल जी बी के साथ बिल्कुल ठीक आंसर है, सिटू अलावत बिल्कुल, नवीन राठी बी बिल्कुल, अंजलि शर्मा बी बिल्कुल, दोस्तों आंसर सभी का ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आंसर है, आंसर है मीठा का, पांच आपका कोड रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से ही ये था आपका पिछला भी और ये भी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहा है अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जवाब दीजिए फटाफट, लाइक जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों चैनल को, ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। क्वेश्चन अगला जो है आपका स्क्रीन पर है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में आपका क्वेश्चन आया दोस्तों, आपसे पूछा गया क्या है कि ए एक्स का पिता है, फटाफट सॉल्व कीजिए दोस्तों, लाइव जुड़ते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी आपका था, ए एक्स का पिता, बी वाई की माता, वाई एक्स तथा जेड की बहन वाई है, तो निम्न में से कथन निश्चित रूप से सही नहीं है दोस्तों, पूछा है कि कौन सा आपका कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, फटाफट जुड़िए आंसर के साथ दोस्तों, फिर देखते हैं क्या होता है आपका आंसर दोस्तों, लाइव जुड़ते रहिए। क्वेश्चन है आपका कि ए एक्स का पिता, बी वाई की माता, एक्स तथा जेड की बहन वाई है, तो निम्न में से कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, जो निश्चित रूप से श्योरली आपका ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, उसकी बात कर रहा है आपसे, तो आंसर सारे हमारे पास में, लाइव जुड़ते रहिए फटाफट आंसर दीजिएगा। रिंकेश जी भी नेक्स्ट पूछा से बात, पिछले क्वेश्चन का ही आंसर आ रहा है अभी तक आपका पांच, लाइव जुड़ते रहिए आंसर के साथ दोस्तों, आंसर दीजिए फिर कराता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसका आंसर साक्षी चहल जी की डी ऑप्शन आ रहा है आपका डी, साहिल सोलंकी ऑप्शन सी के साथ जुड़े हैं, चलिए देखते हैं, साहिल सोलंकी डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन के साथ, साक्षी चहल जी डी ऑप्शन के साथ जुड़ी है, अंकित कुमार ए के साथ, अंजलि शर्मा ए, निशा गहलावत जी सी के साथ, रिंकुश कुमार सी के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लास्ट में लिखा है कि निश्चित रूप से सही नहीं है, नहीं के बारे में पूछा तो वो आपको बताना होगा दोस्तों। रोहित कुमार सी ऑप्शन के साथ जुड़े है कि वही ए का पुत्र है, नवीन सांगवान सी, रिंकेश कुमार सी के साथ जुड़ रहे हैं, चलिए दोस्तों नवीन सांगवान डबल सी, बिल्कुल सी पे कमेंट बार बार कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन आपका था ए एक्स का पिता, ए जो है वो एक्स का पिता है दोस्तों, मेल है तो पिता तो प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, बी जो है वाई की माता दे दी, वाई की माता कौन है दोस्तों, बी आपको माता दे दी, नेक्स्ट आपको क्या दिया, एक्स तथा जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड की जो बहन है वो कौन है दोस्तों, वाई है, इसका मतलब इन दोनों की बहन ये, तो इसके पिता ये थे, इसकी माता ये थी, तो आपस में पति पत्नी हो गए दोस्तों, पति पत्नी हो गए, तो आपसे आप देखिएगा ऑप्शन ए बी जेड की माता है, बी क्या जेड की माता है, बिल्कुल है जी निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है पूछा है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन आपका है एक्स जेड की बहन है, एक्स जो है वो जेड की बहन है, क्या ये बात ठीक हो सकती है दोस्तों, हो भी सकती है और नहीं भी, श्योर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक्स और जेड का तो जेंडर बताया ही नहीं है, वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, लगातार जुड़ते रहिए आंसर के साथ दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जुड़े हैं ज्योति पंगल, सी ट्वेलवत रोहित कुमार, नीतू लाठर सी, नेक्स्ट आपका जो है अमरदीप राणा जी, बिल्कुल नमस्कार अंकल जी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आर्मी कैंडिडेट्स भी जुड़ चुके हैं लाइव दोस्तों। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपको दे रखा दोस्तों, वाई ए का पुत्र है, क्या वाई जो है वो ए का पुत्र है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है, वाई ए का पुत्र आपका नहीं है, वाई तो पुत्री दे रखा दोस्तों, क्योंकि वाई बहन बताई थी,
नेक्स्ट आपका बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री है, कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों कि बी की पुत्री सिर्फ एक ही है, वही एक्स और जेड में से भी हो सकती है। तो आपसे पूछा क्या था, कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, जो आपका ठीक नहीं है दोस्तों। पहला आपका था बी जेड की माता, बिल्कुल ठीक था पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं दोस्तों, एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन हो भी सकती है नहीं भी, तो दो ऑप्शन आ रहे दोस्तों, सेकंड भी हो भी सकता है नहीं भी। तीसरा ऑप्शन वाई ए का पुत्र दोस्तों, बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक नहीं है, गलत है ऑप्शन। तो आंसर हो गया दोस्तों सी ऑप्शन, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आंसर आ गया सी, क्योंकि वाई तो आपकी पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो बिल्कुल आपका आंसर आ गया जो है, आंसर होगा सी ऑप्शन जो है दोस्तों, बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है सतीश, बिल्कुल ए ऑप्शन गलत जी। संगीता जंगला जी सी ऑप्शन के साथ गलत, अजय हुड्डा सी, अंकुश मलिक सी, अंकित मलिक, सपना पुनिया जी जुड़ चुके हैं डी ऑप्शन के साथ गलत, सरिता जी सी ऑप्शन ठीक है। देखिएगा दोस्तों बिल्कुल आपका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी ही रहेगा। नेक्स्ट आपकी यहां तक बात करता हूं दोस्तों, आज के जो HSSC के क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर दोस्तों, वो आपके इतने ही थे। इसके अंदर आपके HSSC के जो सेट में पूछे गए थे दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी बात की जाए अब, अगर आपकी हरियाणा की जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी, हरियाणा के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो है वो जुड़ चुका था। हरियाणा की वीडियो भी आपकी, हरियाणा जीके की जो क्लास थी वो आपकी दोस्तों जोड़ दी गई है, तो हरियाणा जीके का भी आपका लेक्चर अपलोड हो चुका है दोस्तों, फायदा उठाइए उससे, देखते रहिए आपका। नेक्स्ट आप बात करता हूं दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक, टिप ऑफ द डे की बात की थी हमने, बिल्कुल स्पेशल याद है, टिप ऑफ द डे की बात करी थी कि कुछ स्पेशल डालेंगे, तो उस स्पेशल की बात कर लेता हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में क्लियर आपका आ सकता है, तो उसकी बात कर लेता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक साथ आपके साथ जोड़ रहा हूं दोस्तों, सिर्फ एक ही जोड़ेंगे, छोटी सी ट्रिक होगी आपकी, क्लॉक से बात कर रहा हूं दोस्तों, क्लॉक की आपकी बात की जाएगी, क्लॉक मतलब घड़ी, जिसके ज्यादातर प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आ जाए तो छोटी सी ट्रिक कर लेते हैं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं है। आपको यदि सबसे पहले कोण पूछा हो, बोले तो एंगल अगर आपसे पूछा है, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में, मिनट और घंटे वाली सुई, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में दोस्तों अगर आपसे पूछा है क्या होगा, लगातार जुड़ते रहिए। टिप ऑफ द डे स्पेशल आ चुका है, नेक्स्ट स्पेशल आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, तो लाइव जुड़ते रहिए टिप ऑफ द डे में। अगर बात की जाए आपकी, तो आंसर आप देखते हैं यहां पर क्या करना होगा, कोण अगर आपसे पूछा तो कुछ ऐसे होते हैं आपके जो ऑप्शन से आपको डायरेक्ट हिट करने पड़ते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्पेशल जुड़ते रहिए। कल हमने बात की थी सीरीज के ट्रिक्स की, आज क्लॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ में। तो जो टिप ऑफ द डे में स्पेशल आपके लिए है, यदि आपसे एंगल पूछा गया हो मिनट और घंटे की सुई के बीच में, तो डायरेक्ट ऑप्शन हिट कैसे करना होगा दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो देखते हैं दोस्तों। पहला आपको देता हूं सॉरी आपका सबसे पहले, यदि आपको टाइम दे रखा है 1:05, 2:10, 3:15, 4:20 दोस्तों, एंड सो ऑन, कहने का मतलब यदि मिनट वाला समय घंटे वाले समय के 5 गुना दे रखा हो, कितने गुना दोस्तों 5 गुना, मेक इट अ पॉइंट, दिमाग में बैठा लेना, गांठ बांध लेना दोस्तों इसकी पलड़े से, तो आंसर आपका डायरेक्टली, आपको कुछ सॉल्व करने की कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना दोस्तों। डायरेक्ट बात करूं तो मिनट वाले समय का आधा कर दीजिएगा, 50% कर दीजिएगा, वो उसका आंसर होगा। तो 5 का आधा 10, 10 का आधा होता है आपका 5, यहां पर सॉरी 5 का आधा 2.5 था आपका 2.5, 10 का आधा कर दिया हमने 5, 15 का आधा होगा 7.5, 20 का आधा होगा आपका 10 दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका। यहां से डायरेक्ट अगर एंगल निकालना है और मिनट वाला समय घंटे वाले के 5 गुना दे रखा दोस्तों, मिल जाए पेपर के अंदर, तो ऑप्शन डायरेक्ट लगा देना, क्या करेंगे मिनट का आधा करके वही उसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते दोस्तों एक को, जब एंगल निकालते हैं तो मिनट और घंटे के बीच, तो घंटे को गुणा करते हैं हम किससे, 30 से, कितना हो गया 120, और मिनट को 11/2 से, तो दोस्तों 110 हो गया। यहां से अगर बात करूं आपकी, तो दोनों का डिफरेंस आ गया मेरे पास में कितना डिग्री, 10, और जो कि डायरेक्ट भी क्या था आपका 10 डिग्री दोस्तों। तो हमेशा 5 गुना में करना होगा 50%,
सेम थिंग दूसरी, मेक इट अ पॉइंट, दोबारा से बात कर रहा हूं, 1:06:12, 3:18, 4:24, कहने का मतलब कितने गुना होना चाहिए दोस्तों, 6 गुना, 5:30 एंड सो ऑन। यदि समय 6 गुना दे रखा हो दोस्तों मिनट का, तो आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट आपका रोहित कुमार जी, प्रवीण सर मेरा हैदराबाद मेट्रो में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित जी, मुबारक हो आपको, बिल्कुल ज्वाइनिंग आपकी आ चुकी है, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट अब की बात करते हैं आपकी, 6 गुना यदि दे रखा हो तो करना क्या होगा, वेदिकन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रोहित जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर 6 गुना यदि दे रखा हो तो करेंगे क्या, यहां पर आपको करेंगे क्या कि मिनट का यहां भी 50% हाफ कर दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 30 का आधा 15, तो 5:30 पर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो करेंगे क्या, घंटे को करते हैं 30 से तो 150 हो गया, मिनट को 11/2 से किया तो 15 × 11 165, दोनों को जोड़ेंगे और सॉरी डिफरेंस लेंगे तो कितने डिग्री का आ गया दोस्तों, 15 डिग्री। तो मतलब 5 या 6 गुना यदि कौन पूछा हो मिनट और घंटे के बीच, समय दिया है मिनट वाला 5 गुना या 6 गुना घंटे के, तो डायरेक्ट मिनट का समय का आधा 50% कर देंगे दोस्तों, वही उसका आंसर रहेगा। स्पेशल आपकी टिप ऑफ कहने के लिए यही था। एक और चीज है आपकी इसी के रिलेटेड, आपको जो डायरेक्ट हिट करना होता है, चलिए 1:04:08, 3:12, 4:16 दोस्तों, 5:20, कहने का मतलब दोस्तों कितने गुना होना चाहिए, 4 गुना। यदि मिनट वाला समय घंटे वाले समय के 4 गुना दे रखा दोस्तों तो आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका रहेगा दोस्तों यहां पर 5 और 6 गुना में तो किया था मिनट का आधा 50%, बट 4 गुना में याद रखना दोस्तों, मेक इट अ पॉइंट पल्ले से गांठ बांध लीजिए कि मिनट का कर देंगे डबल, तो 4 का डबल होगा 8, 8 का डबल 16, 12 का डबल 24, 16 का डबल दोस्तों 32 और 20 का डबल 40, तो मतलब 4 गुना कंटिन्यू आगे तक चलेगा दोस्तों, 11:44 तक चलेगा आपका, यदि 4 गुना दे रखा है तो मिनट का कर देंगे डबल, वही उसका होगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए, घंटे को 30 से तो 150 हो गया, मिनट को 11/2 से करेंगे तो कितना, 10 × 11 = 110, और दोनों के बीच का 150 और 110 का डिफरेंस हो गया दोस्तों आपके पास में 40, और आंसर भी क्या था आपका, 40 था दोस्तों। कहने का मतलब पेपर में अगर आपको एंगल रिलेटेड क्वेश्चन दिखे 5 या 6 गुना मिनट वाला समय हो तो डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, माइंड में क्लिक करेगा सिर्फ, पेन ओएमआर में भरने के लिए इस्तेमाल होगा, लाइव होगा टेस्ट, तो जस्ट माउस का क्लिक करेंगे, पेन का इस्तेमाल होगा ही नहीं दोस्तों। तो 5 या 6 गुना में तो मिनट का आधा 50%, और 4 गुना समय दे रखा है तो डबल कर देंगे दोस्तों मिनट का, तो आंसर होगा बिल्कुल सही आपका जवाब। देखते हैं नेक्स्ट आपकी टिप ऑफ द डे, स्पेशल आज के लिए यही थी, नेक्स्ट टिप ऑफ द डे में कुछ और स्पेशल आपके साथ लेके जुड़ेंगे पेपर के साथ में दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों लाइव जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। हरियाणा की क्लास फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा जीके की क्लास आपकी आ चुकी है दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए ताकि फटाफट शेयर करते रहिए आपका दोस्तों। और यहां से रोहित कुमार जी फिर से वेदिकन यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, ऐसे ही सभी का सिलेक्शन श्योर, गुड न्यूज ऐसी देते रहिए दोस्तों लाइव कमेंट्स में। बिल्कुल आज के लिए दोस्तों इतना ही, जुड़ेंगे कल फिर इसी समय आपके साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।